Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you are watching Novels for Novels. Flannery O'Connor, जिन्होंने 32 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी और इनके दो नॉवल पब्लिश हुए थे. जो फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुआ था वो 1952 में पब्लिश हुआ था. इसका नाम था वाइस ब्लड. और जो इनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी वो 1946 में पब्लिश हुई थी. और जिस स्टोरी की आज मैं आपको समरी बताऊँगी, जो इनकी सब स्टोरीज में, सब वर्क्स में सबसे फेमस है, अ गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड, ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1953 में पब्लिश हुई थी दूसरे ऑथर के वर्क के साथ. और जब इनकी खुद की ये बुक, खुद की ये स्टोरी पब्लिश हुई फ्लैनरी ओकोनर की अ गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड अदर स्टोरी, जब इनकी ये पूरी बुक पब्लिश हुई, ये हुई थी 1955 में. और इस स्टोरी की जो पेजेस हैं वो 137 पेजेस हैं. और जो जॉनरे है वो साउथ एंड गॉथिक और ब्लैक कॉमेडी है. इसकी जो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वो अटलांटा से होती है. अटलांटा की एक फैमिली है, उनके जो हेड हैं वो बेली हैं. वो कहते हैं कि हॉलीडे स्पेंड करने के लिए हम सबको फ्लोरिडा जाना चाहिए. तो जो इनकी मदर हैं, जो इस स्टोरी में जिनको ग्रैंड मदर कहा गया है, वो ही मेन स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट हैं. वो कहती हैं नहीं, हमें फ्लोरिडा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मिसफिट करके एक प्रिजनर हैं, वो प्रिजन से भाग गए हैं और वो भाग के फ्लोरिडा की तरफ गए हैं. तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें टेनेसी जाना चाहिए. तो जो बेली है वो नहीं मानते, वो कहते नहीं हम फ्लोरिडा ही जाएंगे. तो ये सब जब फ्लोरिडा के लिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, तो जो ग्रैंड मदर है वो कार की बैक सीट में बैठती हैं. और जो इनकी एक फैमिली कैट है पिटी सिंह, ये उसको अपने साथ रख लेते हैं. ग्रैंड मदर है जो अपने साथ रख लेती है, लेकिन किसी को बताती नहीं, चुपके से अपने साथ रख लेती है. तो जब इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, तो जो ग्रैंड मदर है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं इनके, जैक और जून. जो जैक हैं ये एक 8 ईयर ओल्ड बॉय हैं और जून उनसे छोटी हैं. तो उनको बाहर की सीनरी के बारे में बता रही होती हैं. तो जो ये जैक हैं, जून हैं, ये बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं, बहुत ही रूडली उनसे बोलते हैं. उनके स्टेट्स, जो ये स्टेट्स हैं जॉर्जिया और टेनेसी, के बारे में बहुत ही रूड बातें करते हैं, बहुत ख़राब बातें करते हैं. तो ग्रैंड मदर को बिल्कुल पसंद नहीं आता. तो कहते हैं कि हमारे टाइम में जो बच्चे होते थे वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे अपने नेटिव स्टेट्स की, अपने पेरेंट्स की, बाकी चीज़ों की. काफ़ी रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता था उनका, लेकिन आजकल के बच्चों का ऐसा बिहेवियर नहीं है. तो कहते हैं कि जब मैं यंग थी तो मेरा किसी साथ अफेयर था, और जिनके साथ अफेयर था वो कोको कोला स्टॉक के ऑनर थे और बहुत ही वेल्थी थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी. तो ऐसे करते करते इनकी जर्नी आगे बढ़ती चली जाती है. तो ये एक रेस्टोरेंट में रेस्ट करते हैं, रुकते हैं. तो जो ये रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, ये रेड सैमी उनका नाम है, सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम. तो रेड सैमी इनका नाम है और ये रेस्टोरेंट के ऑनर हैं. तो जो इनकी वाइफ हैं ये वेट्रेस हैं. तो जो ग्रैंड मदर हैं वो और रेड सैमी की काफ़ी बातें होती हैं. और जो ग्रैंड मदर हैं वो पसंद करती हैं रेड सैमी को, उनके थॉट्स को. और जो रेड सैमी है वो भी ग्रैंड मदर से काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं. तो अब इसके बाद इनकी जर्नी वापस स्टार्ट होती है, वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. तो जो ग्रैंड मदर हैं इनकी, ये ना रास्ता भूल जाती हैं और गलत एक रास्ता बता देती हैं बेली को. तो जब ये उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं बेली, तो ये एक उबड़ खाबड़ सा रास्ता आ जाता है, जिसकी वजह से जो कैट है वो ग्रैंड मदर की बास्केट से बाहर निकल के बेली की, एकदम से बेली की लैप पे आती हैं, जिसकी वजह से जो बेली, जो कार का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है. और जो कार है ना वो खाई में जाके गिर जाती है. तो ये सब इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन सीरियसली इंजर्ड नहीं होते. तो जब वे अपने आप को संभाल ही रहते हैं, तो ये देखते हैं कि सामने से तीन आदमी आ रहे हैं. तो जो ग्रैंड मदर है वो पहचान जाती है कि उनमें से एक जो है वो मिसफिट है. तो ये बेली को कहते हैं कि इनमें से जो एक आदमी है वो मिसफिट है. तो जो बेली है ना वो इनको कर्ज करते हैं कि आपकी वजह से, आपकी भूल की वजह से हम सब यहाँ आ गए, हम फंस गए अब. तो वो तीनों इनके पास आते हैं. तो मिसफिट अपने दोनों साथियों को, बॉबी ली और हरीम को, कहते हैं कि आप इन बाकी लोगों को लेके जाइए अंदर जंगल में, और इस ग्रैंड मदर के साथ मैं यहाँ रहूँगा. तो वो दोनों उन सबको अंदर ले जाते हैं जंगल में, और उनको वहाँ पे शूट कर देते हैं और मार देते हैं.
तो जो ग्रैंड मदर है वो मिस फिट से कहती है कि उन्हें छोड़ दो, उनसे काफ़ी विनती करती है कि उन्हें छोड़ दो, उन्हें मत मारो, लेकिन जो मिस फिट है वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, जो ग्रैंड मदर है वो कहती है ये सब तो गॉड का काम है, किसको मानना किसको नहीं मानना ये तुम्हारा काम नहीं है। तो जो मिस फिट है वो कहते हैं नहीं, मैंने गॉड को देख रखा है, गॉड ने ही मुझे कहा है, और गॉड जो है अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, जीसस जो है अपने काम ढंग से नहीं कर रहे, इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है उनका। तो जब ग्रैंड मदर को लगता है कि उनकी बातों का मिस फिट पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो कहती है कि तुम तो मेरे बच्चे की तरह हो, जैसे मेरे बाकी बच्चे हैं वैसे ही तुम मेरे बच्चे। तो ये सुन के मिस फिट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंड मदर को शूट कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। तो उन बाकी लोगों को मारने के बाद जो इनके साथी हैं वो आते हैं, बॉबी ली और हरीम इनके पास आते हैं मिस फिट के पास, वो कहते हैं कि इनको मारने में तो बहुत मज़ा आया होगा। तो जो मिस फिट आते कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ मज़ा नहीं आया। तो इस स्टोरी का बस यही एंड है। ये फ्लैनरी ओकोनर की सब वर्क्स में सबसे फेमस ये शॉर्ट स्टोरी है, गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड। तो इस स्टोरी को पढ़िए और बताइए कि इसका जो मॉरल था वो क्या था, इस स्टोरी का जो मेन थीम थी वो क्या थी, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसका मॉरल क्या था, क्या कहना चाह रहा था जो राइटर है, वो क्या कहना चाह रही थी स्टोरी के थ्रू। तो नेक्स्ट टाइम एक और नॉवल की समरी के साथ फिर मिलते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट था, ये टू पार्ट शॉर्ट स्टोरी की टू पार्ट सीरीज़ थी और ये लास्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था। तो नेक्स्ट टाइम एक नॉवल की समरी बताऊंगी, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय गाइज़।